हाँ ये मानने के कगार पर है। हम लोग टीम से निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करें, जल्दी से आए बेसिक में काम करें। देखो हमारे गरीब भाई इतना दर्द है, आप मेरा हम लोगों का दर्द समझिए। हम लोग कोई संत ऐसे नहीं है। की करेंगे यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। शाम को जब ये छात्र प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है, क्या है ये पूरा मामला देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मांगी नौकरी मिली लाठियां, ये पड़ी लाठियां और ये पड़ी लाठ। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां शिक्षक की नौकरी चाह रहे युवा 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। तभी आ गई पुलिस और लाठियां भांज कर युवाओं को खदेड़ा गया। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही 22,000 सीट और जोड़ी जाएं। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग के साथ, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए, लेकिन दो बात याद रखिएगा, इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुँचाया। बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। इन तस्वीरों को दिखा दिखा कर ही विपक्ष अब योगी सरकार पर हमले कर। मैं इस लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ और उस युग में लाठीचार्ज हुआ है जो ये सरकार कहती है। मैं दलित पिछड़ो के साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दिलाने वाली सरकार के नाम लाठीचार्ज हुआ है। तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप इस सरकार को बदलिए, जब मैं आऊँगा तो ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण का घोटाला हुआ है 27% और 33% नहीं पूरा हुआ है, मैं सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में इसको पास करूंगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को भी ज्ञान होगा कि पहले भी लोग हम लोगों को समाजवादी पार्टी के एजेंट कहते थे, हम लोगों को लाठियों से पीटते थे। जब भी कहीं हम जाते थे मांगने के लिए अपने अधिकार को तो कहते थे कि वो समाजवादी पार्टी के एजेंट है। हम लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं है, हम लोग एक शिक्षक है। हम लोगों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारी आवाज़ को सुनेगा, जो हमारा हक दिलाएगा, जो हमारा सम्मान दिलाएगा, ये युवा पूरा ओबीसी एससी वर्ग उसी के साथ रहेगा। आज हमारे साथ अखिलेश यादव जी ने वार्ता की है। अगर ये सरकार हम लोगों को हमारा हक हमारा सचिव हमारा नौकरी नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में इस सरकार को भी दिखाएंगे कि अगर 2014 में 2017 में 2019 में यही हुआ पिछड़ा दलित, अगर आपकी सरकार बना सकता है तो 2024 में और 2022 में आपको उठाकर फेंक भी सकता है। इसी के साथ मैं सरकार को ये भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर 10 तारीख तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद अगर तब भी आप लोग हमारी मांगे